आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। यह है बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हिस्टोरिक रिज्यूम में सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने इन 1869 में सबसे पहले न्यूक्लियाई खोज की थी पस सेल्स के अंदर, जिसे उसने न्यूक्लिन नामक नाम दिया था। न्यूक्लिन वाज शोन टू हैव एसिडिक प्रॉपर्टी एंड इट इज़ बिकम कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिस न्यूक्लिन था उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड किया कहा गया। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। दे लोकेटेड इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स, दे आर द हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी न्यूक्लिक एसिड में हेरिडिटी आनुवंशिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, और इसमें मेन जो इसेंशियल एलिमेंट्स कंपोजिशन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का होता है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड एनर्जी रिच कंपाउंड दैट ड्राइव मेटाबॉलिक प्रोसेस इन सेल्स, सर्व एज केमिकल सिग्नल के लिंक इन सेलुलर सिस्टम दैट रिस्पोंड टू हार्मोन एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलाई। अगला है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ नो ऑफ नंबर ऑफ कोएंजाइम कोफैक्टर एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ थ्री यूनिट्स, फॉस्फोरस, सुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फेट, सुगर, सुगर कोई भी हो सकता है, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। और बेसिस होते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन और पिरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ये तीनों कंपोनेंट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब फॉस्फोरस के बारे में जान लेते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिकुलर फॉर्मूला H3PO4 होता है। इसके अंदर तीन मोनोवेलेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं एंड ए डाइवेलेंट ऑक्सीजन होते हैं, एक डाइवेलेंट ऑक्सीजन और तीन मोनोवेलेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। दे ऑल लिंक टू द पेंटावेलेंट फॉस्फोरस एटम। ये सारे के सारे फॉस्फोरस से जुड़े हुए रहते हैं। अगला कंपाउंड है सुगर। सुगर पाँच कार्बन कीटो शुगर होता है, जिसे पेंटोस कहा जाता है। वन पोजेस डी टू डीऑक्सीराइबोज एंड अदर कंटेंट डी राइबोज। एक वाले में डीऑक्सीराइबोज होता है और दूसरे वाले शुगर में डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। बोथ शुगर आर प्रेजेंट इन फ्यूरेनस फॉर्म एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ही शुगर फ्यूरेनस फॉर्म में पाए जाते हैं। पेंटो शुगर फॉर्म्स एस्टर बॉन्ड विद फॉस्फोरिक एसिड एंड इट इज़ कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। पेंटो शुगर जो होता है, चाहे वो राइबोज हो चाहे डीऑक्सीराइबोज हो, वह फॉस्फोरिक एसिड के साथ एक बॉन्ड बनाता है, जिसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। अगला कंपाउंड है नाइट्रोजनस बेसिस। इसमें दो प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। दीज बेसिस इज लिंक्ड टू शुगर मोस्टली बाय सेम कार्बन यूज्ड इन शुगर शुगर बॉन्ड। प्यूरिन में एडिनिन और गुआनिन पाया जाता है और पिरिमिडिन में यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। अब है न्यूक्लियोसाइड। पहले हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट शुगर अटैच नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ राइबोज या टू डीऑक्सीराइबोज इज कम्बाइंड विद प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस के साथ जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाया जाता है। तो नीचे वाला कंपाउंड शुगर है और ऊपर वाला कंपाउंड नाइट्रोजन बेस है, दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाया जाता है। दीज आर द राइबोज एंड टू डीऑक्सीराइबोज। टू डीऑक्सी यानी कार्बन संख्या टू पर ऑक्सीजन एबसेंट होता है। द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। न्यूक्लियोटाइड आर ऑल ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन। जो भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। द फॉस्फेट ग्रुप्स जॉइन कार्बन नंबर थ्री। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये राइबोज के कार्बन नंबर तीन पर जुड़ा हुआ रहता है और बाद में दूसरे कार्बन नंबर पाँच पर जुड़ा रहता है। तो फॉस्फेट जो ग्रुप है कार्बन राइबोज के कार्बन नंबर थ्री और पाँच से जुड़ा हुआ रहता है।
अब इसके अंदर जब नाइट्रोजन बेसिस अटैच होता है तो नाइट्रोजन बेसिस कार्बन संख्या 1 पर नाइट्रोजन बेसिस जुड़ जाते हैं, यानी साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन जो होते हैं वो राइबोस के कार्बन संख्या 1 से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये इस आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से डीएनए में या न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड में शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसिस के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन बेसिस कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।